हर वार्ड में चर्चा जगह शराब बिक रहा है, अब घर घर में बिकने का बस बाकी है कांग्रेस सरकार में। सरकार के सब काम से हम खुश हैं, कोई ना खुश नहीं है। 1-2 लाख रुपए किसान को छूट किया, हमको क्या किया? कांग्रेस सरकार में हम खुश नहीं है, भाजपा आगे तब ठीक है। कांग्रेस अब की बात 75 पार। नमस्कार, मैं उवेश साहू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा। और इस वक्त हम मौजूद हैं कवर्धा विधानसभा में, कवर्धा विधानसभा के कवर्धा शहर में हम मौजूद हैं और आम जनता से जानेंगे उनका मन कि आखिर जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मतदान होने को महज 10 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में जनता क्या किसको वोट करेगी, किस मुद्दे पर वोट करेगी, कितना विकास 5 सालों में हुआ और 15 साल जो भाजपा की सरकार रही उसमें कितना विकास हुआ, जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे। 5 साल कांग्रेस का और 15 साल भाजपा के जो सरकार रहा उसको किस तरह से देख रहे हैं, किसका कितना विकास हुआ है? देखो, सरकार अपना अपना वादा करती है, 15 साल में हमने काम किया, 5 साल में काम किया, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो जनता देती है। अभी दोनों पार्टी प्रत्याशी घोषणा की है, लोग समझ रहे हैं कि कौन प्रत्याशी कैसा है, किसके निजी विचार किस कैसे है, कौन शिक्षित है, कौन कैसा मानसिकता रखता है। तो जनता ये चुनाव परिणाम के दौरान बताएगी कि वो किसके पक्ष में। अभी सरकार मिला जुला काम की है, सरकार कहती है कि हमने विकास किया, लेकिन जनता सब जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती, कुछ जनता खुश है कुछ नाखुश है और सरकार के अलग अलग वायदे हैं। तो जब तक ये घोषणा पत्र जारी नहीं हो जाता दोनों पार्टी का और पूर्ण रूप से लोगों का ओपिनियन नहीं हो जाता, अभी कहना मुश्किल है कि जनता किसके दिशा में है। कवर्धा विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा है, हाई प्रोफाइल सीटों में कवर्धा विधानसभा की गिनती आती है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर यहां से मंत्री रह चुके हैं, साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का यह गृह जिला भी रहा है। तो और कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, जानते हैं कि आखिर वो कितना सरकार के कामों से खुश हैं और क्या उनकी मांग है और क्या होना चाहिए। जो शराबबंदी बोला था वो शराबबंदी नहीं किया और हर वार्ड में चर्चा जगह शराब बिक रहा है, अब घर घर में बिकने का बस बाकी है इस कांग्रेस सरकार में। और क्या मांग है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या मांग है? विकास, विकास तो पूरा खत्म। आज गांव में जाकर देखो, 20 गली में नाली बह रहा है, सेप्टिक का पानी बह रहा है, एक नाली बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, 5 साल ऐसे गुजर गया। अच्छा, हमारे साथ एक दादाजी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। दादाजी, कितना सरकार के काम से खुश हो और किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सरकार के सब काम से हम खुश हैं, कोई ना खुश नहीं है, एक ही बात दादा बोलना नहीं चाहता था। इस सरकार का ऐसा क्या काम रहा जिससे आप खुश हो? भाई, अभी जो भी निर्णय दिया है हम सब खुश हैं, हम सब खुश हैं, ऐसा नहीं है ना खुश नहीं है। यहाँ एक दादाजी और हैं, उनसे जानना चाहेंगे सरकार के काम काजों से आप कितना खुश हैं? हम उनके काम से बहुत खुश हैं, उसने जो धान का जो रेट है बहुत बढ़ाया है और जो कर्जा माफी वाला है मुद्दा वो भी है और यहाँ बहुत सारी आत्मानंद स्कूल खुली है, विकास तो बहुत तो है, बोलने वाले तुझे बोले, यहाँ पुलिया बना है, नया बस स्टैंड बना है, हाँ यहाँ इतना करोड़ों होते है और जो है अभी हो रही विकास हो रही है। यहाँ से भाजपा ने विजय शर्मा को टिकट दिया है, साथ ही कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर है और आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में नजर आ रही है। लोहारा रियासत के जो राजा है खड़ग राज सिंह, उनको आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है वो त्रिकोणीय चुनाव रहेगा? नहीं, जो भी है जितने भी खड़े हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जीतना तो इन्हीं को ही है, बड़ी 70 है, 33 थी और जो है जितने वोट से भी हो जीत तो बढ़ती रह गई, चाहे वो कुछ भी रहे उससे सामने विजय विजय तुच्छ नहीं है, हाँ कहीं भी मतलब तुच्छ नहीं लगता उससे सामने। यहाँ कुछ युवा है, युवाओं से जानना चाहेंगे, आप एक युवा हो, सरकार के कामकाज से कितना खुश हो, क्या लगता है युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया है? युवाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, हम लोग बहुत सरकार के पक्ष में है, क्योंकि इस बार भी देखने मिल सकता है कि कांग्रेस अब की बार 75 पार। आम जनता से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सरकार के जो काम काज है उनसे वो कितना खुश हैं। जानेंगे, यहाँ पर कुछ जनता है वो यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे सरकार के काम काज से कितना खुश है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जो भी सरकार है बहुत अच्छी है और जो भी आएगी वो अच्छा ही करेगी पब्लिक के लिए। क्या लगता है भाजपा की आएगी, कांग्रेस की आएगी, आम आदमी? एक आदमी के ऊपर निर्णय नहीं करता है, पूरा आवाम तय करेगी कि कौन आएगा। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस मुद्दे पर? कवर्धा एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे शांति रहना चाहिए और हर आदमी शांत स्वभाव से रहना चाहता है, कोई मतलब झगड़ा लड़ाई ये सब ना हो,
बस सब माहौल पूरा शहर का शांत रहे, इसी मुद्दे पे आदमी वोट करेगी और क्या। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग भी चाय पीने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे सरकार के कामकाज से कितना खुश है, क्या लगता है किसको वोट करेंगे इस बार। कांग्रेस सरकार में हम खुश नहीं, भाजपा आ गया तब ठीक है। सरकार ने एक बार फिर अब बोल दिया है कि इस बार फिर से कर्जा माफ करेंगे, तो क्या किसान इस पर वोट करेंगे? कर्जा माफ तो भाजपा की सरकार कर रहे ना, भाजपा सरकार भी करेगा कर्जा माफ। और क्या मुद्दा रहेगा जिस पर आप जाकर इस बार मतदान करेंगे? 7 तारीख को मतदान है, तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अपने शहर में शांति रहना चाहिए। अकबर भाई को अगले साल 60,000 से जिताए थे, इतना उपाय हुआ झंडा विवाद से, आप जानते हैं। झंडा विवाद जो हुआ उसका कितना असर इस बार चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक माहौल जो है वो कवर्धा में बिगड़ा हुआ था, तो क्या लगता है इस बार की जनता जो है वो धार्मिकता को देखकर वोट करेगी कि विकास पर वोट करेगी? दोनों पे करेंगे, विकास तो भाजपा भी करेगा और कांग्रेस भी करेगा, लेकिन इस साल भाजपा आएगा। कुछ हम लोगों ने यहाँ पर जानने का प्रयास किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि कहीं कहीं भाजपा विकास के मुद्दे पर काम करेगी, कांग्रेस भी विकास के मुद्दे पर काम करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा है, उनसे जानने का प्रयास कर लेंगे। आप एक युवा हो, युवाओं से ज्यादातर हमारी चर्चा हो रही है क्योंकि युवा हमको ज्यादा मिल पा रहे हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर युवा इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, क्या लगता है इस बार भाजपा की सरकार बनेगी कांग्रेस की सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी 100%। क्या कारण है इस बार भाजपा की सरकार बनेगी? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में पिछले 5 सालों में जो अराजकता फैली है छत्तीसगढ़ में किसी से छुपी नहीं, बस यही रीजन है। और क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्योंकि आप एक युवा है? तो जनरली जो देखो जो चीजें हैं सो है, क्योंकि अराजकता इस तरीके से फैल चुकी है जो आज के डेट में देख रहे हैं कि आज जगह मारपीट हो रहा है, खुले में घूमने का जो प्रॉब्लम है लोगों को, ये बहुत सारी चीजें इस तरीके से। कुछ और लोग हमसे जानना चाहेंगे क्या लगता है किसको वोट करेंगे इस बार? बीजेपी आवत है, क्या कारण है बीजेपी आने का? बहुत कारण है, सबसे पहले शराब, गंगा कसम खारी से शराब ला बंद करवाओ। आज शराब हला गली गली में, हर चौक में, हर चौराहा में शराब ला बेचवात है, छोटे से बच्चे लोग दारू पी रहे हैं, कहीं भी जाओगे दारू मिल जाएगा, भट्टी से आपको नहीं मिलेगा, मगर ना हर चौक चौराहा गली गली में जाओगे ना तो आपको दारू मिल जाएगा। और 2 नंबर काम ज्यादा हो रहा है कांग्रेस सरकार में, या 1 महीने के अंदर अपना बस इनको ऊपर छत कैमरा घुमा के देखो, उसको पूरा जाली उली चोरी हो गया है, गार्डन को देखो पूरा साफ सफाई कुछ नहीं हुआ है, आज तक के 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। और सिर्फ एक चुनाव माहौल आता है ना तो कर्जा माफ तो किया है, उसे कर्जा में कौन लगाता है? आम जनता लगाते हैं, हमको क्या मिलता है? बंठाधार या लालीपॉप खिलाता है, हम ठेला पेलते हैं, ऑटो चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको क्या मिलता है? 1-2 लाख रुपए किसान को छूट किया, हमको क्या किया? हमको भी देना चाहिए 10,000 महीना दो, हम बेरोजगार है, हमारे पास जमीन भी नहीं है, हमको क्या मिला 1,000 रुपए 10,000 महीना हमको भी दो। जब किसान को दे रहे हो, किसान हमारा अन्नदाता है, मानते हैं अन्नदाता है, उसका उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमको क्या देता है? कर्जा माफ तो हम लगा रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ कर्जा में जुट चुका है, क्या बात करते हो सरकार, कुछ बोलते हैं कर्जा माफ मतलब विकास 5 साल में कुछ नहीं है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आप बिल को बात करते हो ना, बिल टोटल ना आम जनता ही घिस पीछे कर आएगा। बिजली बिल कम होने की बात यहाँ पर सरकार कर रही थी, क्या लगता है बिजली बिल कम हो रहा है? बिजली बिल नहीं हुआ है कम, और बढ़ चुका है बिजली बिल। बड़े बड़े वादा करता है मगर उसका झूठा वादा रहता है, कुछ नहीं होता है। तो ये थी कवर्धा की जनता, जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, तो जनता का कहना, कई जनता ऐसे है जिनको कार्यकाल सरकार को जो काम काज है उनसे संतुष्ट है, और कई जनता यहाँ पर भाजपा की सरकार फिर से लाने का बात यहाँ पर कर रही है। कवर्धा से वेसा हूँ, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।